असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल हॉप यू लाइफ फाइन एट यूर होम्स वी हैव कम्प्लीटी दर्स्ट चैप्टर ना मूव टूअर्ड द सेकेंड चैप्टर विच इज सेंस ऑर्गन्स वट आर सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन आर द बॉडी ऑर्गेन्स बाच ह्यूम आर एबल टू सी स्मेल हेयर टेस्ट एंड टच और फील यानी कि सेंस ऑर्गेन्स वो हैं जिनके जरिए से हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं देखने में सुनने में टेस्ट करने में हेयरिंग में टच या फील करने में हेल्प करते हैं वो लोग ठीक है या फिर वो उनके जरिए हम लोग ये सारा काम करते हैं नेक्स्ट आप लोगों को आइडिया है कि कितने सेंस हैं वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स विच आर आइज नोज ईयर्स टंग स्किन आइज आर फॉर सींग नोज इज़ फॉर स्मेलिंग ईयर्स आर फॉर हेयरिंग टंग इज़ फॉर टेस्टिंग एंड स्किन इज़ फॉर टचिंग और फीलिंग ओके सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन आई वट इज ह्यूमन आई अब आप लोगों के सामने एक आई है इस छोटी बच्ची की जिसको उन लोगों ने एक जूम करके बता दिया कि ये उसकी आयज है प्रॉपुल ठीक है जूम इमेज है आय का अब इसके अंदर हम लोग इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से वो आई के अंदर कौन कौन से पार्ट है उनका क्या फंक्शन है ओके आई वी नो दैट आई इज अ अर्गन ऑफ साइट किस लिए हम लोग आंखें यूज करते हैं देखने के लिए करते हैं अब हम लोगों ने क्या देखना होता है अपनी आई से वो ये कि शेप्स कलर्स मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सारा कुछ हम लोग नोट करते हैं अपनी आंख से ओके नाउ वो वे मूट वर्ड्स एट्स पार्ट्स ठीक है अब हमारी आई जो है वो किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है विच इज आई बॉल आईब्रोज आई लेट आई लैश ठीक है आई बॉल का क्या काम है जो आप लोग देखते हो वो आई बॉल है ना जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं जो सेंट आंख के अंदर ये ब्लैक पोर्शन ओके नेक्स्ट इज आई लेड्स हम लोगों के क्या हैं ये जो एक कवर सा हमारी स्किन से जो कवर होती है हमारी आई जब हम आईज को ब्लेंक करते हैं अब ये आई है इसका क्या फंक्शन है कि ये क्या करती है ये कवर करती है हमारी आईज़ को नेक्स्ट इज आई लैशज आई लैश का फंक्शन क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल से हमारी आंखों को साफ रखती है जो डस्ट पार्टिकल एंटर होते हैं वो इन आई लैशज पर स्टिक कर जाते हैं वो उसको सेफ कर लेती है हमारी आईज को नेक्स्ट इज टीर ग्लैंड विच इज़ फॉर टीयर्स नेक्स्ट इज मेन पार्ट्स ऑफ आईज आर कॉर्निया आयरस पिपल लेंस रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स हेयर इज़ द डाइग्राम ऑफ आई आयरस कॉर्निया पिपल लेंस आयरस सॉरी एंड रेटिना ऑप्टिक नर्व्स ना विल मूव टूवर्ड्स इट्स फंक्शंस कॉर्निया कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज एट द फ्रंट ऑफ आर आई लाइट रेज एंड अब जो हमारी आँख में लाइट रेज डलती हैं वो कॉर्निया से एंटर होती हैं ओके जो वाइट पार्ट है ट्रांसपेरेंट पार्ट है एक हमारी आंख के बिल्कुल सामने ऊपर वो क्या है कॉर्निया कहलाता है और उधर से लाइट रेज एंटर होती हैं नेक्स्ट इज़ आयरस एंड प्यूपल अब आयरस क्या है जो कलर्ड पोर्शन है हमारी आई का वो है आयरस अब उसके अलावा जो प्यूपल है ये हमारी आँख में जो ये ब्लैक बोल सा है ये प्यूपल है ठीक है ठीके? ये दोनों एक साथ हैं अब इनका फंक्शन क्या है आयरस का ये सिर्फ कलर्ड पोर्शन है अब आपको ये भी आप लोग सोचते हो कि मेरी आइज़ ब्राउन है तो आप लोगों के किसी दूसरे आपके फ्रेंड की आइज़ जो हैं वो ग्रीन है किसी की ब्लू है किसी की ब्लैक है तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन के थ्रू है कि ये हमारी आई ब्राउन है और उसकी आई ब्लू है कलर्ड पोर्शन है आयर और प्यूपल क्या है जो सेंट्रल में सेंटर में एक होल है ब्लैक अब प्यूपल का क्या फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है लाइट के ऊपर अब जितनी लाइट की वो होगी कि ब्राइट लाइट आ रही है तो हमारा जो प्यपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और इसी तरह से अगर डिम लाइट होगी तो हमारा प्यपल एक्सपैंड कर जाता है आज शो इन द डाग्राम जब आयर रिलैक्स कर रहा है वो ब्राइट लाइट के अंदर है ठीक है इसी तरह हाँ से ए आयरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके अंदर डेमलाइट में तो ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड कह लो है कि हम लोगों का जब प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयरस रिलैक्स करेगा और जब प्यूपल एक्सपैंड करेगा तो आयरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज लेंस अब लेंस का क्या फंक्शन है कि जो प्यूपल के बिल्कुल पीछे हमारे पास लेंस होता है आपके ये प्यूपल है तो इसके बिल्कुल बैक पर हमारे पास क्या है लेंस ठीक है लेंस आई एम सॉरी ये आपके पास प्यूपल है तो प्यूपल के बिल्कुल पीछे हमारे पास ये ब्लू जो लाइन है ये क्या है लेंस और लेंस के आगे हमारे पास आ जाती है रेटिना आपके प्यूपिल प्यूपल का क्या फंक्शन है सॉरी लेंस का क्या फंक्शन है कि लेंस क्या करता है ये लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर ओके रेटिना क्या है अब रेटिना एक लाइट सेंसिटिव पोर्शन है और ये इमेज आई लेंस जो है वो फॉर्म करता है अपना इमेज रेटिना पे अभी हम लोगों ने लेंस की बात की थी ना कि लेंस क्या कर रहा था कि डायरेक्ट लाइट को फोकस कर रहा था इमेज को फोकस कर रहा था तो वो जो लाइट सेंसिटिव रेज एंटर हुई थी लेंस से वो जा फोकस होती हैं रेटिना पर और उधर से इमेज रेटिना पर बन जाता है जिस चीज़ को आपने देखा हो उसका नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व्ज अब रेटिना पे जब इमेज बना तो क्या हुआ कि उसने उस विजुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया किसको ब्रेन तक डायग्राम देखो कि वो एक बल्ब था जिसको आपने देखा और उसके बाद क्या हुआ कि उस बल्ब से उस बल्ब का इमेज बना रेटिना पर और ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है यानी कि उल्टा इमेज बनता है जाके रेटिना पर अब रेटिना पे जब वो इमेज बन गया तो वो फिर आगे कहाँ जाएगा ऑप्टिक नर्व्स उस विजुअल इमेज को लेके जाएंगी ब्रेन के पास और ब्रेन पे जाके वो इमेज सीधा बन जाता है अब वो इमेज आपको बन गया और उसके बाद आपको पता लगता है कि आपने किस चीज़ को देखा था ओके नेक्स्ट वी हैव फंक्शनिंग ऑफ आई अब हमारे पास है फंक्शनिंग ऑफ आई इसके अंदर क्या है कि जो लाइट रेस थी वो एंटर हुई उसके बाद वो कहाँ गई कॉर्निया से एंटर होकर आई प्यूपल तक प्यूपिल क्या था द होल इन द सेंटर ऑफ द आयरस अब प्यूपिल के अंदर आई उसके बाद जो लेंस प्यूपिल ने क्या काम किया कि उसको डायरेक्ट किया लेंस के पास अब लेंस से वो डायरेक्ट होकर इमेज कहाँ बना जाके रेटना के ऊपर रेटना पे जब वो इमेज बन गया तो वो ऑप्टिक नर्व्स ने उसको इमेज को आगे कहाँ सेंड कर दिया ब्रेन तक ओके सो दिस इज़ द टॉपिक यू हैव स्टडी टुडे इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी टेक केयर अल्लाह हाफिज